हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी फार्मा के बारे में। जी हाँ, डिप्लोमा फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, डी फार्मा के बारे में बात करेंगे कि डी फार्मा क्या होता है और इसका कट ऑफ कॉलेज वाइज आपका AGPI अगम कुआ पटना, यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट अगम कुआ पटना, और GPI बंका, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बंका, ये दोनों कॉलेज में कितना पर आपको इस बार उठाने वाला है, कितना रैंक चाहिए, कट ऑफ रैंक चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनना कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, शेयर करना। सुनो एक बात कि पिछले डी फार्मा के बारे में बताया था, पटना के बारे में, पटना सिटी के बारे में बताया था और सासाराम के बारे में बताया था, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे वो GPI यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बंका और गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट अगम कुआ पटना। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डी फार्मा। तो डी फार्मा जो है बाबू, ध्यान से समझना, डी फार्मा बॉयज और गर्ल्स, जी हाँ, डी फार्मा बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, किसके लिए, बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए डी फार्मेसी का कोर्स है। इसमें आप चाहे तो 12th पास करना होगा जरूरी, और इसके साथ चाहे तो आप PCM से हैं या PCB से हैं, ये दोनों के लिए, जी हाँ, चाहे तो आप PCM से रहिए या PCB से रहिए, दोनों के लिए डी फार्मेसी का कोर्स है, डी फार्मा का कोर्स है, डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स है, 2 साल का कोर्स। ये कोर्स जो होता है टोटल 2 ईयर्स का होता है, और ये 2 ईयर्स जब आपको एडमिशन हो जाएगा ना कॉलेज में डी फार्मा में, तो आपको वहां पे दवा के बारे में जानकारी दी जाएगी, और ये दवा जब कोर्स कर लेंगे ना डी फार्मा का, तो करने के बाद आप मार्केट में का अपना सा मेडिकल शॉप खोल सकते हो, इसकी जॉब लगती है, समझ में आ रही है बात। तो बहुत अच्छा कोर्स है मेरे भाई, बहुत बहुत बेहतर कोर्स है, ये भविष्य चमका देगा, जॉब लगी तैयो ना लगी तैयो, समझ रहे हैं, जॉब लगी तो जॉब में और ना लगी तो खुद का बड़ा सा मेडिकल शॉप मेडिकल खोल सकते हो दवाई का, और खूब पैसा छाप दो धर के दम। चलो सुनो, तो अगर आपको बंका में एडमिशन लेना है पैरामेडिकल से, पैरामेडिकल का एग्जाम दिए, तो बंका में कितना कट ऑफ चाहिए कैटेगरी और योर, ध्यान से समझिएगा। कई बार तो हम बता चुके हैं आप लोग को कि आप लोग का जो है रैंक 2 प्रकार के, एगो कैटेगरी एगो योर, योर सबके लिए है, कैटेगरी कैटेगरी वाइज दिया है। यूआर रैंक जो होना चाहिए बंका के लिए, यूआर रैंक जो होना चाहिए बंका के लिए वो 141 से लेकर के 1161 के बीच में, हाँ 141 से लेकर के 1161 के बीच में होना चाहिए, जी हाँ। अगर आपका यूआर रैंक, यूआर रैंक जो है सबों के लिए, जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे बिहार में सबके लिए यूआर रैंक दिया गया, सबको यूआर रैंक दिया गया, और यूआर रैंक अपना मिलाइएगा कि अगर आपका यूआर रैंक जो है 141 से 1161 के बीच में आ जाता है, इतना 141 से 1161 के बीच में रैंक आपका यूआर आ जाता है। और अगर हम बात कर ले कैटेगरीज का, तो सबसे पहले बात करेंगे हम DQ वाले को, क्योंकि बड़ो DQ वाले विकलांग को तो उनका रिजर्व होता है, तो डिसेबल कोटा में जो आते हैं उनका रैंक अगर 53 से लेकर के 147 के बीच आया है, और यूआर रैंक जो है 141 से 1161 के बीच आया है, तो आपको बंका में एडमिशन मिलेगा। अगर आप ST कैटेगरी में, जी हाँ, अगर आप ST कैटेगरी में हैं और ST रैंक जो है 10 से लेकर के 22 के बीच में आया, जी हाँ, अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं और आपका ST रैंक 10 से लेकर के 22 के बीच में आया है और यूआर रैंक 141 से 1161 के बीच में आया है, तो आपको GPI बंका में एडमिशन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे SC कैटेगरी में, अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं और SC रैंक जो है आपका 74 से लेकर के 519 के बीच में आया है, तो बंका में एडमिशन मिलेगा डी फार्मा में। अगर आपका BC रैंक कैटेगरी है और BC रैंक 342 से 859, मिला लो बाबू अपना अपना रैंक आप मिलाओ कि BC में अगर आते हो तो आपका क्या 342 से लेकर के 859 के बीच में रैंक है, अगर है तो बंका में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा। चलो, अगर EBC कैटेगरी में आप आते हैं, EBC में आते हैं और आपका EBC रैंक जो 148 से 686 के बीच में है, देखो अगर 148 से 686 के बीच में है ना, तो एडमिशन मिलेगा। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं और आपका रैंक 86 से लेकर 404 के बीच में आता है, 404 के बीच में आता है,
तो आपको एडमिशन बंका में मिलेगा। अगर आप आरसीजी में आते रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में और आपका आरसीजी रैंक 627 से 1564 के बीच है तो एडमिशन बंका में मिलेगा डी फार्मा में। अगर यही हम बात कर ले जीपीआई अगम कुआ पटना का, जीपीआई अगम कुआ पटना का अगर बात करें तो पटना के लिए रैंक जो चाहिए आपको जीपीआई के लिए, तो यूआर रैंक सबको दिया है, तो यूआर रैंक जो चाहिए वो चाहिए यूआर रैंक 1 से लेकर के 227 के बीच। जी हाँ, आपको अगर जीपीआई अगम कुआ पटना में एडमिशन लेना है तो आपको रैंक यूआर रैंक जो चाहिए ये वाला यूआर रैंक वो 1 से लेकर के 227 के बीच में होना जरूरी है। इससे ज्यादा है 227 से तो संभव नहीं है। तो अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए डीक्यू वालों को, तो डीक्यू वालों के लिए रैंक जो चाहिए, डीक्यू वालों के लिए भी यूआर रैंक इतना से 1 से लेकर 227 के बीच होना चाहिए और डीक्यू रैंक 16 से 24 के बीच होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो एसटी वालों के लिए यूआर रैंक जो होना चाहिए 1 से लेकर के 227 के बीच, मिला लो यूआर रैंक 1 से 227 के बीच है और एसटी रैंक 5 के आसपास है तो आपको एडमिशन जीपीआई पटना में मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं और एससी का रैंक यूआर रैंक जो है 1 से लेकर के 227 के बीच में है और एससी रैंक 1975 के बीच में, 1975 के बीच में, तो जीपीआई अगम को पटना में डी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और बीसी वाले के लिए यूआर रैंक जो है 1 से लेकर 227 के बीच है और कैटेगरी रैंक की अगर बात करें, जी हाँ कैटेगरी रैंक की बात करें तो ये कैटेगरी रैंक जो है बीसी रैंक, अगर बीसी रैंक 73 से 164 के बीच में है तो एडमिशन मिलेगा। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका यूआर रैंक जो है, यूआर रैंक 1 से लेकर 227 के बीच में है और ईबीसी रैंक 28 से 114 के बीच में है तो आपको अगम कुआ पटना में एडमिशन मिलेगा। अगर आप आरसीजी कैटेगरी से आते हैं और आपका यूआर रैंक जो है 101 से 213 के बीच है, सॉरी यूआर रैंक 1 से 227 के बीच है और कैटेगरी रैंक 101 से 213 के बीच में, तो अगम कुआ पटना में एडमिशन मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आपका यूआर रैंक जो है 1 से 227 के बीच आता है और कैटेगरी रैंक 10 से 44 के बीच आता है तो आपको जीपीआई अगम कुआ पटना में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो सुनो अगर इतना इतना रैंक आ रहा है बाबू तो मिला लो, इतना इतना के बीच में रैंक आ रहा है तो दोनों कॉलेज में काउंसलिंग करवा देना, मिल जाएगा सीट। समझ रहा है बात? और इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।